ये बच्चे बहुत ऊंची पदवियों पे जाने वाले, ये लाखों करोड़ों कमाने वाले हैं। बेटी मेरी कहती मम्मा बड़े खोजे, मैं तो मेरी मिट्टी मेरे नाल होनी चाहिए, पर फिर भी मैं क्या सुखा सुख दिन वे दिन आया, खोज क्यों ना वा मिट्टू। तुम नाम भी चाहो मन भरना रोना तो आएगा, क्या आएगा बोलो, क्योंकि इस ब्लेसिंग में बहुत कुछ फेस किया है इन्होंने, बहुत चीजों का सामना किया है। नहीं तो जैसा माहौल बन गया, बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं, आना बंद कर देते हैं। पर इन्होंने उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल मेहनत की। और जितने भी इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जब बाद में देखें तो इस गवाही को पूरा देखें, ताकि आपको समझ आए कि ये जो ब्लेसिंग मिली है इतनी बड़ी कैसे मिली। तो इसको अंत तक सुनना, मेरा विश्वास है कि जितने लोग इसे अंत तक सुनेंगे और समझेंगे, वो भी ऐसे बड़ी ब्लेसिंग अपने जीवन में पाएंगे। ब्रदर का नाम सुखदीप सिंह है और जी अमृतसर शैटे के रहने वाले हैं, और इनके साथ इनकी मदर और इस ब्रदर की सिस्टर हैं, और इनकी गवाही जे बता रहे हैं कि जब जे ब्रदर अपनी स्टडी कर रहे थे और उस समय से इनकी चाह थी कि जे ब्रदर फॉरेन जाना चाहते थे, और जे बता रहे कि जब प्लस टू इनकी कंप्लीट होगी तो जे इस विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर आप मुझे फॉरेन कंट्री के साथ ब्लेस कर चुके हो, क्योंकि जो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है पॉजिटिव विश्वास और अंगीकार। तो जे बता रहे कि जब भी जे हर एक संडे की मीटिंग अटेंड करते थे, तो जे बता रहे कि जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, ब्लेसिंग वर्ड देते थे कि जिनके में जिनकी चाह थे फॉरेन जाने के लिए, जिन्होंने वीजा पासपोर्ट अप्लाई किया है, तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर चुके। तो जे सिस्टर और इनकी फैमिली और जे ब्रदर बता रहे कि लगातार जे पावरफुल वर्ड को अपने जीवन में जो खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर देते थे, तो जे रिसीव करते थे कि परमेश्वर आप मुझे फोन घंटी के साथ ब्लेस कर चुके हो, जहाँ की भी इनकी चाह थी, और जे लगातार विश्वास में बने रहे। और जे बता रहे कभी भी इन्होंने आज तक संडे की मीटिंग को मिस नहीं किया था, और जे लगातार हर एक नियम को परमेश्वर में पूरी रीति के साथ कर रहे थे। और जे बता रहे कि जैसे ही खुदा के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड परमेश्वर ने दिया कि जब भी प्रभु भोज की मीटिंग होगी, तो मीटिंग के बाद एक हफ्ते के लिए चर्च भवन में प्रार्थना होगी, तो सबने उस मीटिंग को अटेंड करना है। तो जे बता रहे कि इस ब्रदर ने मार्च और अप्रैल महीने की मीटिंग को अटेंड किया, प्रार्थना में भी जे ब्रदर आए, फिर जो बाकी के चार महीने की मीटिंग थी, चार मंथ थे, उनमें इनके मदर और इनके सिस्टर भी आ रहे थे, और लगातार जे विश्वास कर रहे थे। और इनकी मदर ने बताया कि जैसे कि परमेश्वर के दास भी हमें बताते हैं क्लीसिया, कि अगर हमें परमेश्वर से कुछ बड़ा लेना है, तो आपके भी आपका भी बड़ा विश्वास और आपकी बड़ी चाहत होनी चाहिए। तो आप परमेश्वर से अपनी मन्नत से भी अपने जीवन में परमेश्वर के उस बड़े काम को देख सकते हो, अपने जीवन में प्रकट कर सकते हो। तो वैसे जे जैसे लगातार सुन रहे थे, सीख रहे थे, तो जे सिस्टर ने जो इनकी मदर है, तो इन्होंने भी परमेश्वर की हजूरी में जब जे प्रभु भोज की मीटिंग में जे प्रार्थना में आ रहे थे, तो उन दिनों में इन्होंने परमेश्वर के आगे मन्नत मांगी कि परमेश्वर मेरे बेटे को फॉरेन कंट्री के साथ ब्लेस कर चुके हो। और जो इन्होंने मन्नत मांगी थी, उससे भी जे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का कलाम बताता है कि जैसे हन्ना ने भी परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, तो परमेश्वर ने भी उसको ब्लेस किया था। तो वैसे इन्होंने मन्नत मांग कर भी लगातार विश्वास करते रहे कि परमेश्वर मैं इस मन्नत को भी पूरा कर चुकी हूँ, और आप मेरे बेटे की जो ये बड़ी चाहत है परमेश्वर, आप इसको चाहत को पूरा कर चुके हो। और जब बता रही कि जब जुलाई मंथ की इन्होंने प्रभु बोस की मीटिंग को अटेंड किया, प्रार्थना की, तो जी इन्होंने लगातार पूरा हफ्ता ही प्रार्थना में आए और प्रार्थना करते रहे। तो परमेश्वर का कलाम जे भी बताता है कि जो मेहनत जो परीक्षा हम खुदा में करते, तो परमेश्वर हमें उसका बड़ा प्रतिफल देते हैं। तो जैसे इन्होंने परमेश्वर में जो किया, तो आज परमेश्वर ने इनको बड़ी सामर्थ इनके जीवन में प्रकट किए। आज खुदावन परमेश्वर इनको फॉरेन कंट्री कनाडा में इस ब्रदर को ब्लेस कर दिया एक्लेसिया। तो सच में आज परमेश्वर ने इनकी उस चाहत, उनके जो इन्होंने
विश्वास किया था, लगातार परमेश्वर में अपने विश्वास के द्वारा कर्म भी किया, आज उसका ही परमेश्वर इनको बड़ा प्रतिफल दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए कलीसिया परमेश्वर की बड़ी तारीफ हम कर सकते, क्योंकि सच में परमेश्वर सबके जीवन में अपनी महिमा को करना चाहते। हम सब तारीफ करेंगे। सुनो सारे, ये ब्लेसिंग कैसे आई, इस ब्लेसिंग को लेने के लिए इनके सामने कितने कितने बड़े हालात आए, बोलो क्या आए? क्योंकि चाहत तो शुरू से सी, बोलो क्या थी चाहत? चाहत तो तब की थी इनकी जब ये बेटा 10th में पढ़ रहा था, तो तभी इन्होंने मन में सोचा कैसे कहाँ भेजना। चाहत तो थी, विश्वास में थी, मतलब ऐसे विश्वास में थे ये सारा पूरा परिवार, पर बीच में बहुत सी समस्याएं बड़ी आ गई। क्या आ गई बोलो? क्योंकि जब इनका पासपोर्ट लगाया फॉरेन जाने के लिए, वीजा अप्लाई किया, तो इनके फादर साहब बीमार हो गए थे, तो बहुत बड़ी सिचुएशन थी। सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं ताकि आपको उस समय की समझ आए, जो उस समय का माहौल इनके ऊपर बना हुआ था सारा। हाँ, उस क्लिप को दिखाओ। तो फ्राइडे इनके पिता की रात को 10 बजे डेथ हुई, कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थे, और कल उनका संस्कार था, और ये बच्चे आज आपके साथ खुदा की हजूरी में, बोलो क्या है? ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि दो दो महीने वो नजर ही नहीं आते, अगर ऐसा कुछ हो तो। समझ आ रही है? ये सच्चा रिश्ता है, और जब हम सच्चा रिश्ता खुदा से रखते हैं, इसलिए मैंने आज आपको एक वर्ड बोला भी थोड़े समय पहले, कि हम निराशा में रहेंगे, अपने जीवन को कोसेंगे, सोक करेंगे। मैंने कहा पूरी लाइफ में आप कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी। समझ आ रही मेरी बात? दुख की तो बात है, ऐसे नहीं है। तो सुनो, क्योंकि जिस दिन ये चर्च भवन में आए, उससे 2 दिन पहले इनके फादर साहब की क्या हो गई थी, बोलो क्या है? शुक्रवार रात को ऐसे हो क्या हुई, और संडे ये यहां पे थे। कभी ऐसा होता है कभी? बोलो, ऐसा होता है कभी कि किसी के घर में इतनी समस्या बड़ी हो और वो चर्च भवन में आए खुद? हाँ, लोग तो दो तीन महीने नजर नहीं आते। एक तो वो सोक करते हैं, हम तो चर्च जाते थे ऐसा क्यों किया, वो तो कंप्लेंट करते हैं। इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की परमेश्वर से, बोलो क्या? कोई कंप्लेंट नहीं की। जब इनके फादर साहब हॉस्पिटल में थे ना, तब भी वो हॉस्पिटल से इन्हें कहते थे चर्च जाओ, चर्च जाओ। क्योंकि जो माता पिता समझ जाते हैं परमेश्वर के राज्य को, वो कैसे अपने बच्चों को क्या करती हैं? यहां पे ऐसे माता पिता भी बैठे हैं जो शायद आज आए होंगे, महीने बाद कोई क्या आए होंगे, जो माता पिता परमेश्वर के राज्य की सच्चाई को समझ जाते हैं, तब से लेकर आज तक, आज कितना टाइम हो गया यहां? हाँ? 10 महीने हो गए, इन्होंने कोई मीटिंग नहीं मिस की। मैंने कहा कोई मीटिंग नहीं मिस की? जब नहीं की, बोलो क्या? आपने देखा ये तीसरे दिन फ्राइडे को ऐसे हो, संडे यहां पे थे, और उसी दिन परमेश्वर ने इनके अच्छे मन के कारण, उस विश्वास के कारण, उस प्रेम के कारण मेरे जीवन को इस्तेमाल किया, मेरे मुख को इस्तेमाल किया,
और परमेश्वर ने इन्हें बड़ा ब्लेसिंग वर्ड दिया। क्या दिया बोलो? चलो, मैंने कहा कि ये नहीं है कि इस ब्लेसिंग को, अगर इन्होंने, इनका कनाडा का वीजा आ गया है ये जाने वाला, तो इनके सामने परिस्थितियां नहीं आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारा कुछ। आप बताना चाहते हो? बहुत कुछ हुआ, कुछ चीजें। जय मसीह दी पास्टर जी। जय मसीह दी। जय मसीह दी सारी क्लीसिया नू। परमेश्वर दा धन्यवाद। हाँ, कोई नहीं, सैड नहीं होना, बताओ, प्रभु की महिमा करो। मैं अपने जीवन तो एक चीज सीखी है, अगर वो इथो तक, मैं एको चीज रखी कि परमेश्वर अगर तू इथो तक लेके आया तो अगे भी तू इयो लेके जाना। मैनू हुण होर बस, मतलब तो समझ सकते हो इनकी फीलिंग। बोलो क्या है? क्लीसिया, मेरे दिल विच बहुत कुछ चलता है, मेरा दिल करता सी परमेश्वर नाल लड़ाई करा, बहुत कुछ करा, लेकिन मैं अपने मुख ते वो शब्द नहीं लियांदे, मैं ताद नहीं लियांदे। मैनू पता सी परमेश्वर नाल मैं लड़ नहीं सकती, क्योंकि मैनू मेरे बच्चों दे वास्ते परमेश्वर दी ब्लैसिंग चाहिए है, और मैं वही चीज मंगती रही। मैं अपने आप नाल अपने आप नू बहुत तकलीफ दिती, बड़ी ज्यादा। मैं पूरे 10 महीने कलीसिया दवाई खाधी, मैनू सिर्फ 10 दिन होए आ दवाई छड्डी नू, क्योंकि मैं उस चीज विचों, वो चीज मैं कर नहीं रही कि मैं आ चीज, हाँ, अपने वास्ते मैं पॉजिटिव विश्वास नहीं कर रही। लेकिन फिर मैं वो चीज विच जदों सिखिया वो कीती, ते वो चीज भी मेरे तो दूर हुई। मैं अज 10 दिन होए मैं दवाई नहीं खा रही, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर दी कि मैं बड़ी कमजोर जी औरत सी, मैं इन्ना कर भी नहीं सकती, क्योंकि सारे करता धरता वो आप होंगे ही। लेकिन परमेश्वर ने अज मैंने इन्ना बल दिता, हिम्मत दिती, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर दी। उन्हें अपने वीरां वास्ते भी जेडे मेरे नाल खड़े ही, पास्टर जी का भी, और उन्हें लोगों का भी मैं धन्यवाद करती जेडे लोग नहीं खड़े, क्योंकि अगर वो नाल खड़े होंगे तो शायद मैं इन्नी स्ट्रोंग नहीं होना। मैं अज बहुत स्ट्रोंग हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती इस गल वास्ते भी। सारे भज गए कि चर्च जाते आ, मैनू समझ नहीं आती उन्होंने लोगों को इन्ना वड्डा दिल कितों आया कि घर भरा की बॉडी पई हुई और वो कह के अगर इन्हें प्रार्थना करवानी तो ही मंगर नहीं जाना। तो सुनो सारे, तुम समझ सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने, हम जानते हैं कि क्यों ऐसे कहा था, मेरे नाम के कारण लोग क्या करेंगे। हाँ, तुम समझते हो ना? तो मैंने कहा कि इस ब्लेसिंग को लेने के लिए ये बहुत सी चीज़ों का इन्होंने सामना किया, बहुत बड़े हालातों का, ये बहुत से दुखों से गुजरे, बहुत से दुखों से गुजरे, पर मैंने लगातार इन्हें टीच किया, सिखाया, समझाया, नहीं परमेश्वर सच्चा है। बोलो क्या? परमेश्वर, परमेश्वर सच्चा है, वो कभी नहीं छोड़ता। बहुत सी बाइबल से, वचनों से उत्साहित किया, जैसे एक औरत खुदा के दास है ना, आलिशा, जो परमेश्वर का क्या था। तो एक औरत आई जिसने कहा कि मेरा पति मर गया है, भविष्यताओं की चेलों में से एक सेवक था, सेवा करता था, पर उसकी क्या होगी, डेथ होगी। तो कहती मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पति का कुछ कर्ज था, तो मेरे पति ने देना था, क्योंकि वो भविष्यताओं के चेलों में से एक सेवक था, उनकी सेवा करता था, सेवा करता था, तो कुछ कर्ज हो गया। अब प्रभु की मर्जी कर रहे हैं, तो कर्ज के कारण जिसका उसने कर्ज देना, उसकी तो डेथ होगी। तो वो औरत आई अलीशा के पास कि वो मेरे दोनों बच्चों को वो लेने के लिए आया है कि जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं भरोगे तब तक तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे, काम करेंगे। समझ आ रही है? तो एक
छोटे बच्चे बच्चों को, मान लो छोटे बच्चे के मतलब कितने होते हैं, 8, 10, 12 साल, हाँ, तो कहती दोनों बच्चों को मेरे को वो बंदी बनाने के लिए आया है, ओलिशा के पास आई, क्या ही बोलो, तू जानता है। जब अलीशा ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, क्या की अलीशा ने, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तर दिया, इसे पूछ तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में स्वाये का हांडी में थोड़े से तेल के अलावा कुछ नहीं। तो उसने कहा जा जाकर सारे पड़ोसियों के बर्तन मांग ला, थोड़े से रहने दे बाकी सारे मांग ला, और जा जाकर उस कुप्पी का जो थोड़ा सा तेल उसमें ढेलती जा। लिखा खुदा ने इतना दिया, इतना दिया, जब सारे बर्तन भर गए, जब वो दोबारा वापस गई तो इतना खुदा ने दिया, जब उसने आकर बताया अलीशा को, तो अलीशा ने कहा ये इतना है तेरे इस पीढ़ी के लिए और तेरे बच्चों की पीढ़ी के लिए, वो भी घर बैठकर खाएं तो ये खत्म नहीं होगा, इतना दे दिया। ऐसा सच्चा परमेश्वर। पर जो लोग वो पल्ला नहीं छोड़ते, क्योंकि लोग तो चंद मुसीबतें आए तो क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मन खराब करते, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, हमने नहीं जाना जी, पता नहीं कहां कहां दौड़ते फिरते हैं, क्या क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मन खराब करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। किसी का दुनिया से कोई चला जाए, क्या चला जाए, तो फिर क्या नहीं है, तुम तो जीवित हो, तुम्हारे परिवार सलामत है, ठीक है, चंद काम है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, क्यों मन खराब करते हो। समझ आ रही ना। तो उन्होंने इस ब्लेसिंग को लेने के लिए बहुत सी चीजों को फेस किया, सामना किया है, और प्रभु की मर्जी को पूरा किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी खुदा को खुश किया, उसके घर में आते रहे, उस प्रोफेटिक को ये 2024 को के लिए जो खुदा ने दिया। प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की प्रार्थना, उसमें ये लड़का भी, इसकी मम्मा भी, ये बेटी भी, सब आते रहे, और लास्ट में ये वीजा आने से पहले ये पूरा एक हफ्ता लगातार आए। अब ये जो ब्लेसिंग है, बड़े हालातों से गुजर कर पाई है और प्रभु के वचन को पूरा करके पाई है। वैसे तो खुदावंद ऑलरेडी इन्हें ब्लेसिंग वचन दे चुका है, चलो पहले हम उसको, उस ब्लेसिंग वर्ड को, जिस दिन ये आए थे, जिस दिन इनके पापा की डेथ हुई थी और तीसरे दिन ये यहां पे थे, शुक्रवार हुआ और तीसरे दिन यहां पे थे, चलो उस वर्ड, उस दिखाओ उस वचन। लोगों को लगेगा इन बच्चों की लाइफ अभी क्या होगी है, हाँ, संसार में होता है, खुदा की सच्चाई में नहीं ये होता, ये बच्चे बहुत ऊंची पदवियां पे जाने वाले, ये लाखों करोड़ों कमाने वाले हैं। यस आमीन। देखना, मैं आज प्रोफेसी करता हूं इस बात की, समा आएगा यहीं पे खड़े होकर इन बच्चों की गवाहियां सुनाऊंगा, वहीं पे खड़े होकर कि कैसे परमेश्वर ने कितनी ऊंची पदवियों पे लेकर जाता, कैसे बड़े ऑफिसर बनाता है नहीं। yes, amen. हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है कि झूठ बोले, आज जो कहा वो ना करे और अपना वचन देकर बदल जाए। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, बोलो क्या, मैं जगत के, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर तो ऑलरेडी इन्हें ब्लेसिंग वर्ड उसी दिन दे दिया, उसी दिन दे दिया, बोलो क्या है? दे दिया है परमेश्वर ने, पर ये प्रगट रूप में हम दोबारा सुनेंगे, जल्द सुनेंगे कि कैसे इस बच्चे को, इस बेटी को परमेश्वर ने कितना ब्लेस कर दिया है, कितना ऊंचा कर दिया है, क्योंकि उसका वादा है। बोलो क्या है? अब वो काम हो गया है, ब्लेसिंग का वो स्टेप स्टार्ट है, पर आने वाले दिनों में हम बिगेस्ट इनकी टेस्टामनी, बड़ी गवाहियों को सुनेंगे कि सच में परमेश्वर ने
कैसे ने बढ़ाया है, बोलो क्या है, कैसे ने बढ़ाया है, क्योंकि कब परमेश्वर आपको ऐसे देता है अंदर से, जब आप उसके साथ वफादार होते हैं, जब आप उसकी इच्छा को मर्जी को पूरा करते हैं, जैसे इन्होंने किया। इनका विश्वास वो नहीं है, इनका विश्वास कर्म वाला है। कौन सा इनका विश्वास है? कर्म वाला विश्वास है, कर्म वाला, क्योंकि उसने कहा अपना विश्वास अपने कर्म से दिखा। तो खाली घर बैठ के नहीं जी, विश्वास है, विश्वास है। इन्होंने अपना विश्वास कर्म से दिखाया है, और जो कर्म से विश्वास करते हैं उसका बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग से। बोलो क्या है? मैंने कहा उसका बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग से। बोलो क्या है? उसका बड़ा प्रतिफल है, और वो खुदावंद इनकी जिंदगियों में वो प्रकट करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद का दास होने के नाते, जो परमेश्वर ने अपना ये प्रोफेसी वर्ड उस दिन दिया था कि ये बच्चे ऊंची पदवियों पर जाएंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे, तो ये हम सुनने आएंगे। मैंने कहा हम सुनेंगे, ये भी ऐसा होने वाला है, ये 100% होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। क्योंकि सबब देशिक में लिखा, दुखियारे के दिन दुख भरे रहेंगे, जो शोक करता है अपनी चीजों को लेकर। क्या लेकर लिखा? दुखियारे के दिन दुख भरे रहेंगे, पर जो मानो नित भोज में पार्टी में वो आनंद करेगा। उसी दिन, कभी ऐसा होता है दो दिन पहले किसी के घर में क्या हुआ और हम नाच रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि सब कुछ हमने कुछ भी वो दुनिया के जैसे नहीं, के नाम के मसीह नहीं बने, आ यहां पे रहे हैं, काम सारे दुनिया के वालों के कर रहे हैं। हाँ, शादियां ब्याह तो दुनिया के जैसे, रीति रिवाज है तो दुनिया के जैसे, समझ आ रही है? तो शोक नहीं किया। कभी ऐसा होता है किसी का, क्योंकि अभी तो उम्र भी नहीं जाना, दो दिन पहले ऐसे हुआ हो और हम खुदा के घर में खुशी मना रहे हैं, परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है, दिखाओ उस क्लिप को भी दिखाओ ताकि तुम्हें समझ आए परमेश्वर के होता है वो क्या होता है, कैसे हम चलते हैं। हाँ, दिखाओ उसे भी। सब जितने बच्चे वॉलंटियर आगे आ जाओ, आ जाओ, रोवो मत, नाचो खुदा के लिए, नहीं रोना, नाचो, नाचो। तो तुम समझ सकते हो, कोई नाचेगा, कोई खुशी मनाएगा ऐसे, पर हमने वचन को पूरा किया है, और जो चीज हम वचन को पूरा करके ब्लेसिंग लेते हैं वो एक मिसाल खड़ी करती है इस दुनिया में, और ये होने वाली है। मैंने कहा ये होने वाली एक मिसाल खड़ी, तैयार हो इस तरीके से उसके साथ चलने के लिए, उसकी इच्छा में बढ़ने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? मैंने कहा कितने लोग तैयार हैं? और जितने भी इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जब बाद में देखें तो इस गवाही को पूरा देखें, ताकि आपको समझ आए कि ये जो ब्लेसिंग मिली है इतनी बड़ी कैसे मिली है। तो इसको अंत तक सुनना, मेरा विश्वास है कि जितने लोग इसे अंत तक सुनेंगे और समझेंगे वो भी ऐसे बड़ी ब्लेसिंग अपने जीवन में पाएंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. और कुछ कहना चाहते हो?
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਸੁਬਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਬਾ ਉੱਠਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਧਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਬ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਤੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਮੇਂ ਥੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੋ ਤੋ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋਬ। ਅਬ ਕਿਸੀ ਕੇ ਘਰ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਕਮੀ, ਵਹੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5 ਰੋਟੀ ਔਰ 2 ਮੱਛੀਓ ਸੇ 15,000 ਲੋਕੋ ਕੋ ਰਜ਼ਾ ਦਿਆ ਥਾ, ਵਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹਨੋਨੇ ਐਸੇ ਟੁਕੜੇ, ਜੈਸੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਧਰਮੀ ਕਾ ਵੰਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਧਰਮੀ ਕਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਕਰ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਬੋਲੋ ਕਿ ਬੜਕਰ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਤਾਓ। ਔਰ ਕਲੀਸੀਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਖਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਤਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਕਲੀਸੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾਸ ਕੱਟ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਰਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰਾਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ
इधर नू पासा वटना ते इंज लगना कमरा इधर नू पलट गया जे इधर नू होना ती क्योंकि सिर हर वक्त भार आ रहा ना अखां हर वक्त दर्द हुंदियां रहणियां। ठीक है बहुत है तुम समझ सकते हो। परमेश्वर ने बड़ा मेनू संभाल के रखा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती इस गल वास्ते भी और हर उस चीज वास्ते जो परमेश्वर ने मेरे जीवन विच कीती बच्चों के जीवन विच कीती और परमात्मा दा मैं दिल तो धन्यवाद करती और मैं दास दी दा भी धन्यवाद करती कि परमेश्वर इन्हां दे बच्चों नूं बहुत सारी समझ बुद्धि दवे बहुत सारा इन्हां नूं वधावे प्रभु यीशु मसीह नाम विच मंगदी हां आमीन। तो समझ सकते हो ना ब्लेसिंग तो मिली है पर बहुत सी चीजों का सामना किया है। क्या किया है? और सबसे अच्छा कि खुदा के साथ रिश्ता बनाकर रखा है। यहां पे बैठे हैं माता पिता बैठे हैं ना, कितनी माएं बैठी हैं, कितने पिता बैठे हैं। अगर वो खुद नहीं करते तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, उनकी क्या आशीष के लिए उनके आगे लेकर जाएंगे उन्हें अगर वो खुद नहीं करते। तब समझ सकते हो बोलोगे हैं। इसका जाने का बोलो क्या है, इसका जाने का एक बड़ा खर्च है। कितने मेरी बात समझ, इसका जाने का एक बड़ा खर्च हुआ, बड़ा खर्च लाखों का। कहां से आया, कैसे परमेश्वर ने पैदा किया, क्योंकि सब कैश था। बोलो क्या है, कहां से परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता ने, क्योंकि वो कर सकता है। लिखा जब मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, तो उसने करके दिखा दिया। बाकी परमेश्वर ने वो दे दिया इनको पहले से ऑलरेडी प्रोफेसिव वर्ड इनकी ब्लेसिंग का, तो आने वाले दिनों में फिर आपको गवाहियां देते जाएंगे। आमीन, तारीफ कर दो। और यही गाओ जेड़ा इत्थों तक लेके आए, यही सॉन्ग गाओ। कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, परी असली नह जावो तेरा कबरा आंदे भी नहीं और दुख मुकदे भी नहीं। कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, दुख आंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने, खुदावंद की जोर से तारीफ करते हुए जोर से जोर से। क्या है बोलो,
कम चलते भी ने ते कम रुकते भी ने, कम चलते भी ने और रुकते भी ने, दुख आउंदे भी हैं ते मुकदे भी हैं, पर असली नेचावान कदी नहीं घबरांदा। बोलो क्या है? जो असली नेचावान है, जो सच्चा रियल क्रिश्चियन है, वो स्वार्थी नहीं जो सिर्फ अपने काम के लिए आया चला गया, नहीं हुआ तो चलो जी। जो सच्चा है, जो सच्चा लव करता है, जैसे परमेश्वर ने आपसे सच्चा लव किया ना, तो लिखा अपना इकलौता पुत्र दिया। तुम तो एक उंगली नहीं तुम्हें तुम उसको काट कर दे सकते, उसने अपना बेटा दिया है, क्योंकि उसने सच्चा लव सच्चा प्यार किया है। करके देखो तुम्हें समझ आएगी। मैंने कहा करके देखो तुम्हें उसके प्रेम की समझ आएगी। इन्हें किया है और इन्हें समझा है। आमीन। ओके तो ठीक है, जब परमेश्वर के दास का भी आदर करेंगे और हम इनकी और भी खुशी के साथ और भी इनकी ब्लेसिंग के लिए इनके साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ठीक है ले आओ जो भी परमेश्वर ने आपके मन में डाला है। सुन ले सुने मेरी उदासियां मुक गई या दुआ, सुन ले सुने मेरी उदासियां मुक गई या दुआ, सुन ले सुने मेरी उदासियां मुक गई या दुआ, सुन ले सुने मेरी तो सुनो सारी, क्योंकि बहुत कुछ खुदा ने ब्लेसिंग के लिए दे दिया है, और जो कुछ भी इन्होंने खुदा के आदर के लिए किया है, मेरे लिए नहीं, ये हार ये रिंग, बोलो क्या है, ये जो रिंग डाल दी इन्होंने, ये सब कुछ खुदा के आदर के लिए। आज तक जितनों लोगों ने भी मुझे खुशी के साथ ऐसे रिंग डाली है, मैंने वो सब कुछ इसी भवन में बो दिया। क्या बो दिया? सब कुछ मैंने यहीं पे बो दिया। समझ आ रही है? पर जो कुछ भी इन्होंने किया है, इसका बड़ा प्रतिफल खुदा ने स्वर्ग से दे दिया। तारीफ कर दो फिर से, जोर से तारीफ करो, जोर से फिर से। पैकिंग करती पई ही ना, मतलब खुश ही ना, ते बेटी मेरी कहंदी मम्मा बड़े खुश जे, वह तो मेरी मिठी मेरे नाल होनी चाहिदी, पर फिर भी मैं क्या सुखा सुख दिन ये दिन आया, खुश क्यों ना होवां मिट्टू, क्योंकि उन्हां दा सुपना ही ना मेरा ते बिल्कुल नहीं मान हुंदा, फिर भी मैं बड़ी हिम्मत कीती कलीसिया, बड़ी हिम्मत की थी होने की तैयारी करने वास्ते, हर समय चलो मिट्टी अंज करिए, चलो मिट्टी अंज करिए, आज भी आप आने लगे, मैं कहा चलो मिट्टी को आज तेरा सपना पूरा होने जा रहा ना, आज गवाही देनी, चलो चलिए। मैं तो उदों ने जदों ही खुदा दे दास वाले वर्ड होना ना कि भंगड़ा जो पाओ जा कुछ, मेरा नहीं हाथ चुकन नु दिल करता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कर दी कि परमेश्वर
तू मैनू आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी हिम्मत दे चुका यीशु के नाम विच आमीन। तो सच में वो सच्चा परमेश्वर, वादों का परमेश्वर। लिखा मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, पर मैं अपने चुने हुओं को कभी भी नहीं छोड़ता। तो वो सदा इनके साथ हैं, वो इन्हें बड़ा बल दे चुका है हर चीज का, उस आनंद का, हर चीज का वो आनंद दे चुका है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। तो कहीं मैं विश्वास करता हूं सेम ऐसे ही प्रभु आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुका है। आमीन, हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो तीन बार।